यहाँ पे। हाँ भाई ओके रोलिंग मैन। दीपक जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आज शाम? क्या मतलब क्या बॉल फंक्शनिंग क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? बस यार अच्छा है, बुलाया जा रहा है मुझे तो, बड़े सालों बाद इतने सारे अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया है तो अच्छी बात है पूरी टीम के लिए। तनु वेट्स मनु की यार मिल जाए तो अच्छा है, एक दो जगह नहीं भी मिला है तो ऐसे आते हैं पूरी शिद्दत के साथ हैं, है ना, पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, दिखते हैं। हाँ एक्साइटमेंट बनी हुई है यार, पूरी टीम दोबारा मिलती है यहाँ पे और जो कामयाब फिल्में हैं जैसे पिछले साल जो है वो 110 फिल्में आई थी जिसमें से 8-9 को आप जानते हैं जो सारी की सारी हिट हैं, चाहे बजरंगी भाईजान हो, तनु वेट्स मनु हो, पीकू हो, मसान हो, दम लगा के हईशा हो, बाजीराव मस्तानी हो, तलवार हो या बेबी हो, है ना। तो ये वो फिल्में जिनमें अच्छी राइटिंग हुई थी और अच्छी तरीके से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था तो, और अच्छे लोगों के साथ दोबारा से मिलने का मौका मिल रहा है तो यार मुझे ये नहीं पता, शायद आ सकते हैं, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। सपने पूरे होते हैं? हाँ हाँ आपके सपने पूरे हुए? हाँ हाँ हो ही रहे हैं। यार बिगेस्ट ड्रीम तो अभी नहीं बता सकता, जब वो ड्रीम ही ड्रीम है, बहुत ही बड़ा है यार वो ड्रीम ही है अभी तक। हाँ हो सकती है, हाँ मतलब एक्सपायरी डेट होती है, होती है। बस नए साल की शुभकामनाएं सबको और इसी तरह से अच्छा काम होता रहे, अच्छी फिल्में बनती रहें, बस यही। थैंक यू। Great start to the year because I'm totally prepping for Man Marziya and this is the first award of 2016, so I'm really 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 excited. I hope I bag this one as well. That can't even be a question because Mr. Bachchan is one of the greatest actors that we have ever seen, and I don't think there's anybody who can symbolize India better than him. Expectations for the award? Of course, always. I hope I win this one as well, but yeah, just attending it is just equally exciting. Looking super toned and super. Oh, thank you, thank and you. Enjoying it, probably we see as you like pose for the cameras. Oh, I love it. I love every bit of this. Like, it's such a new thing for me. It's my first year and I'm getting used to all of this, but I love it. I love every bit of it. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Have a great day. Yes.
सर कैसे हो? सुमित क्या डीवीडी भेज तो सही घर में, शूट करके लेके गया फिर देता नहीं वापस। आगे कोई पूछने वाला है? सीता जी और लखन जी जा रहे हैं। सीता जी और लखन जी जा रहे हैं। सीता जी लखन जी आ जाओ। बहुत कम अवसर मिलता है कि आप मतलब भ्राता इश्नी एक जी साथ मिलते हैं। आज से विशेष कुछ अपेक्षाएं? अपेक्षा तो यही है, नॉमिनेट किए गए हैं तो अपेक्षा यही है कि जीते हैं पुरस्कार। काम किया है, मेहनत की है, सभी ने की है तो, पर आशा सभी को होती है कि जीते। मुझे भी आशा है कि जीतूं। रोहित आप पूरा मतलब प्रोत्साहन करेंगे सर का? हाँ बिल्कुल प्रोत्साहन करूंगा, तो मैं तो पैदा ही हुआ इसलिए कि इनका प्रोत्साहन करता रहूं और जहां जहां काम करें वहां जाके ताली बजाऊं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जीतेंगे ज़रूर क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है। और आपको लगता है सपने पूरे होते हैं, मतलब सपने देखते हैं तो क्या पूरे होते हैं आपको लगता है या फुल स्टॉप ही होता है सपनों के लिए? सपने एक लेवल तक देखो तो पूरे होते हैं, बेहिसाब सपने देखो तो शायद पूरे ना हो, लेकिन वो सपना जो दिल में घर कर जाए और उस सपने पे आप काम करो तो वो सपना पूरा होता है। नववर्ष से आपको कोई विशेष अपेक्षाएं? तो अपेक्षाएं बहुत सारी हैं जैसे हम सभी को हैं, नया साल आता है, नई उम्मीदें होती हैं, नई आकांक्षाएं होती हैं। इंस्पायर्ड हूं मैं इनसे, अच्छी पिक्चर बनाऊंगा इस साल और उम्मीद करता हूं कि ये उस फिल्म का हिस्सा हूं। बस उम्मीद करिए कि वो फिल्म जल्दी ही शुरू हो जाए। उन्होंने जी अमिताभ बच्चन जी को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है जी, कुछ आप अपने शब्द देना चाहेंगे उस पर? उनके बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ, उनके बारे में जितना कहो उतना कम है। और हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए, भारतवर्ष के लिए उनसे बड़ा प्रतिनिधि देश के भीतर और देश के बाहर मुझे नहीं लगता और कोई होगा। तो ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व उन्हें दिया गया है, खुशी है मुझे इस बात की। और अगर मुझे अवसर मिला कि इस कार्य में उनकी मैं सहायता करूं किसी भी प्रकार से तो मैं अवश्य करूँ, मेरा सम्मान होगा। या इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी ऑफ अ डिफरेंट काइंड, इट्स अ थ्रिलर but it's also got a message in the end. I don't want to divulge too much about it because I'd rather my producer talks about it before I do. Have you started working? I finished the script. We are in the middle of the process of casting and pre-production. And I think again, it's better if you ask my producer what he wants to say about the film. Thank you so much. Thank you. Thank you. Happy New Year, everybody. Neelam ji, please, aap bhi aaye zara saath mein. Do this with me? Sure, yeah. Come on. Yeah. What are you expecting to see your voice? We've seen you after a really long time. Yes. So what are you expecting? Award functions are great. You know, lots of talent, entertainment, lots of dancing. A few of my buddies are performing. I'm here to see, cheer for my buddies and just enjoy the show. Yes. What would you have to say about that? I think he's an iconic man, so he could fit into anything and he would do justice to anything. So I think it's great.
and good luck, Mr. Bachchan. Hrithik, which films are you busy with currently? I have a film releasing in a few months. It's an independent film. That's about it for now. And should be a few films coming up soon. But what are you keeping away from doing after promising debut? Yes. Great question. Just finding my feet a little bit. Lost my way a little bit. So yeah, I'm back to work, and hopefully 2016 should be a good year for me. Thank you. Good evening, everyone. Hi. Good evening. Happy New Year, everyone. It's very nice. The first Priyanka becomes another award. What's your thoughts on that? Wo I think wo break har record break karne ke liye bani hai aur wahi karti ja rahi hai. So we are very happy. Hamare desh ke liye bahut proud moment hai ye jo unhone abhi wahan award jeeta hai aur shayad wo aur jeetenge kyunki wo abhi jitna mehnat karti hain jis tarah se wo ek ek cheez ke liye passionate hain to wo aage badhti jayengi shayad. Swachh Bharat abhiyan ke liye bhi wo chuna gaya unko brand ambassador. Any words for her? हाँ बिकॉज जो जो वो काम कर रही हैं जिस तरह से हमारे देश का नाम ऊपर कर रही हैं उस हिसाब से वो बहुत डिजर्व करती हैं इसके लिए. सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी फॉर व्हाट्स द प्रोग्रेस इन सरबजीत. सरबजीत बहुत अच्छी तरह से शेप ले रही है. बहुत ही टफ फिल्म है क्योंकि बहुत ही रियल जोन पे एक बायोपिक है. सो हमें एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ रहा है. सो बट जिस तरह से मेहनत हो रही है जिस तरह से काम हो रहा है आई थिंक ये फिल्म अच्छी बन के आ रही है और ये आप लोगों को पसंद आएगी. नो नॉट येट बिकॉज हमने अभी तो सिर्फ जेल के पोर्शन शूट किए हैं इंडोर किए हैं और अभी हम पंजाब में जाएंगे आउटडोर तो देन आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस जिस तरह से हमारी स्क्रिप्ट है. But is it anti-Pakistan or pro-Pakistan film? How is that going to be? ये काफ़ी जो रियल हुआ है रियलिटी के काफ़ी करीब रखी गई है. इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मुझे लगता नहीं इसमें कुछ टॉपिक होगा ऐसा. जी जी सपने क्यों नहीं पूरे होते. मैं आज जो यहाँ खड़ा हूँ मेरा एक सपना था. मैं एक दिल्ली से हूँ मिडिल क्लास फैमिली से. उसके बाद मैंने सपना देखा था इंडस्ट्री में आने का फिल्में करने का एज ए लीड फिल्में करने का. जो मुझे आपने देखा जैसे मैं मैरी कॉम में मेरी फर्स्ट फिल्म थी प्रियंका के अपोजिट इतने बड़ा चांस मिलना इट्स लाइक जैसे एक बहुत बड़ा सपना पूरा होना है और वो शायद हुआ है. आई थिंक सपना आप देखें और उसके लिए मेहनत करें तो यूनिवर्सल पावर आपका साथ देती है और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं. आज प्रियंका को देख लो. प्रियंका आज वो हॉलीवुड में धमाल मचा रही हो शायद इसी कारण ही उनका सपना था. नहीं आई डोंट थिंक सो. स्काई इज द लिमिट. आप जितना चाहो आगे बढ़ सकते हो उड़ सकते हो. जी देखिए बच्चन साहब हमारे लिए आइकन हैं और वो आज हम शायद हर कोई उनको एक आइकन की तरह देखता है और उनको एम्बेसडर होना आई थिंक जो वो बोलते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो जब वो बोलेंगे लोगों से बात करेंगे और जो भी वो बोलेंगे शायद लोग बहुत उसे सीरियसली लेंगे. सो ये बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बात एलर्जी की नहीं है. बात ये है कि सड़क से
समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ से आए, गेट वन अंदर कहीं लिखा है। पर हर फंक्शन की एक अपना एक्साइटमेंट होता है, एक अपना चार्म होता है और अपनी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, क्योंकि कोई ऐसा लार्ज ऑडिटोरियम बम्बई के अंदर है नहीं जहाँ पर कि ऐसे बड़े अवार्ड जैसे बड़े फंक्शन किए जाएं। और ख़ुशी की बात यह है कि स्क्रीन अवार्ड्स, स्क्रीन जिससे सभी कलाकारों का, टेक्नीशियंस का सबसे पुराना रिश्ता है। फिल्मों में जब हम आए थे तो स्क्रीन में किसी तरह से हमारी फ़ोटो छप जाए, स्क्रीन में किसी तरह से हम फ्रंट पेज पर आ जाएं, यही सभी कलाकारों की